अमोल शेट्टी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एक ऐसे फसल की जिसके उत्पादन में भारत देश पूरी दुनिया में पहले स्थान पे है, जिसका उगम ईरान के साथ साथ भारत में भी होने के रिकॉर्ड्स मिलते हैं और उस फसल का नाम है अनार। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो का पहला एपिसोड है जिसमें हम जानकारी लेने वाले हैं आदर्श अनार बगीचा लगाने के लिए सही तरीके के बारे में। इसमें हम देखेंगे अनार की कौन सी किस्म लगाई जाए, पौधे का अंतर क्या रखें, पौधे लगाते समय कौन सी खाद डालें और ड्रिप इरिगेशन कैसा होना चाहिए। इस टॉपिक पे आज का वीडियो है। ये सब चीज़ें बोलने में भले आसान लगती हो, लेकिन इसके ऊपर अनार के किसानों का भविष्य निर्भर होता है। किसान भाई बहनों, सभी का सपना होता है अपने अनार की क्वालिटी सबसे अच्छी हो, अपना अनार सबसे महंगे दाम में बिके। तो ये वीडियो आपका सपना पूरा करने की ओर पहला कदम रहने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए ये वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहला टॉपिक है अनार की कौन सी किस्म हमने लगानी चाहिए। आज की डेट में भारत में 6 वैरायटी लगाई जा रही है, जिनका नाम है गणेश, आरक्ता, मृदुला, भगवा, सुपर भगवा और सोलापुर लाल। इनमें सबसे पॉपुलर वैरायटी है भगवा। लगभग 95% किसानों के पास यही देखने को मिलेगी। पिछले 20 साल से यही वैरायटी मार्केट में राज कर रही है, क्योंकि एक तो इसका कोई अच्छा अल्टरनेट आज तक नहीं मिला हो और दूसरा मार्केट में इसे डिमांड भी अच्छी। महाराष्ट्र में किसानों ने गणेश, आरक्ता से लेकर सोलापुर लाल तक सभी वैरायटी लगा कर देखी, लेकिन आज भी यहाँ का किसान पुराने भगवे को ही लगाना पसंद करते। लेकिन भगवा वैरायटी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग गुणधर्म वाला भगवा आपको देखने मिलेगा। ये कैसे हुआ, कब हुआ और इसका डायरेक्ट असर किसानों पर क्या हो रहा है, किसानों ने कौन से गुणधर्म वाला भगवा सिलेक्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है। ये विस्तार से अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि हमें भगवा वैरायटी लगानी है। ये जो आप नया प्लांटेशन देख रहे हो, इसमें सिलेक्शन भगवा वैरायटी लगाई है। इसके गुणधर्म किसी भी भगवा अनार से सबसे अच्छे हैं। ये सिलेक्शन भगवा वैरायटी महाराष्ट्र में भी बहुत कम जगह दिखाई देती है, बाकी स्टेट में तो लकीली किसी के पास होगी। चलिए आगे बात करते हैं अनार लगाने के लिए पौधे में आइडियल अंतर कितना रखना जरूरी है। शुरुआत में गणेश, आरक्ता, G137 ये वैरायटी आई थी, तब किसान 15x15 फीट डिस्टेंस पे पौधे लगाते थे, जिसमें एक एकड़ में 200 के लगभग पौधे बैठते थे, जिसमें शुरुआती कुछ सीजन में उत्पादन कम आता था। उसके कारण किसानों ने 15x10 फीट, 12x10 फीट, 12x8 फीट पे अनार लगाने शुरू किए। जैसे जैसे दो पौधों का डिस्टेंस कम होता गया, वैसे वैसे किसानों का पर एकड़ एवरेज उत्पादन बढ़ता गया। आज की डेट में 12x8 फीट पे सबसे ज़्यादा प्लांटेशन देखने को मिलेगा, जिसमें एक एकड़ में 450 पौधे लगते हैं। हमने 2000 साल में 8.5 एकड़ में 14x10 फीट पे एक अनार का प्लॉट लगाया था और उसके बाद 2007 में 6x9 फीट ये डिस्टेंस पे दूसरा 8 एकड़ का प्लॉट लगाया, जिसमें 800 पौधे पर एकड़ में लगाए गए थे। हमें 6x9 फीट में पहले ही साल सबसे हाईएस्ट उत्पादन मिला, जो कि था 13 टन पर एकड़। इतना उत्पादन हमारे 14x10 फीट वाले प्लॉट में तब तक नहीं मिला था। हमें बहुत खुशी हुई कि हमने कर दिखाया, पर अगले 5-6 सालों में 6x9 फीट वाले प्लॉट का बहुत बुरा हाल हुआ, क्योंकि उसमें विल्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट मतलब तेलिया तीसरे साल में आया और इस तरह फैल गया कि 6ठे साल में हमें पूरा 8 एकड़ का प्लॉट निकालना पड़ा। उसमें हमारा भारी नुकसान हुआ और उससे पहले 2000 साल में लगाया हुआ 14x10 फीट वाला जो प्लॉट था अनार का, वो पूरे 18 साल तक चला, जिसने हमें बहुत अच्छे पैसे कमा कर दिए। इसका मतलब सिंपल है, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। किसान भाई बहनों, सबसे अच्छा डिस्टेंस है 14x10 फीट या 15x10 फीट। इससे भी ज़्यादा रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे कम मत रखें। यदि आपको बढ़िया अनार निकालना हो तो यही डिस्टेंस आपके लिए सही है। इसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, क्वालिटी भी बढ़िया निकलेगी, डिसीज पेस्ट अटैक भी कम रहेगा और प्लॉट की उम्र बढ़कर 15 से 20 साल तक आपको ये अच्छा माल देता रहेगा। इस सारे डिस्कशन का कंक्लूजन यही आता है कि अनार लगाने के लिए आइडियल डिस्टेंस है 15x10 या 14x10 फीट, और ये डिस्टेंस भारतीय अनार संशोधन केंद्र प्रमाणित भी है। ये जो आप नया प्लांटेशन देख रहे हो, इसमें हमने 14x10 फीट पे ही पौधे लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं, पौधे लगाने से पहले क्या काम करना जरूरी है, उसका क्या फ़ायदा होगा और पौधे लगाते समय कौन सी खाद डालना जरूरी होती है। तो दोस्तों, जिस ज़मीन में आप अनार लगाना चाह रहे हो
उसमें जिस डिस्टेंस पे आप पौधे लगाने जा रहे हो वहाँ पे किसी भी पाउडर से मार्किंग करके लीजिए, और उसी मार्किंग किए हुए जगह पे जेसीबी मशीन से 3x3 फीट के बकेट से गड्ढा खुदाकर मिट्टी उसी जगह पे छोड़ दें। इसका फायदा ये होगा कि सालों साल पानी और खाद दे देकर नीचे 1.5 से 2 फीट पे क्षार या सॉल्ट का एक हार्ड लेयर तैयार होता है, या पथरीली हार्ड ज़मीन होती है वो इससे ब्रेक हो जाती है और ज़मीन पोरस बन जाती है, जिसमें अनार की जड़ें एकदम आसानी से बढ़ती है, पानी का निकास अच्छे से होता है, और दोस्तों ये करने के लिए खर्चा भी बहुत कम आता है। हमें जेसीबी मशीन से एक गड्ढे करने के लिए 7 से 9 रुपये तक खर्चा आया था। ये करने का और एक फायदा होता है कि मिट्टी खुली होने के कारण पौधे लगाते समय हाथ से आसानी से गड्ढा करके उसमें खाद डाल के पौधा हम लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधा लगाते समय अच्छा डिकम्पोज किया हुआ गोबर खाद कम से कम 10 किलो प्रति झाड़ डालना किसी भी हाल में जरूरी होता है। इसके अलावा आप 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक नीम पाउडर, 3 से 4 किलो केचवा खाद भी डाल सकते हो। उसी के साथ सुपर फॉस्फेट 200 से 500 ग्राम 100 ग्राम ह्यूमिक एसिड या माइक्रोराइजर डालिए, ताकि पौधे की जड़ें बढ़ेंगे और मजबूत होंगे। ये सब पहले डाले हुए गोबर खाद और मिट्टी में मिक्स करके लीजिए। उसके बाद अगले 2 दिन पानी देकर गड्ढा ठंडा होने और उससे अगले दिन पौधे लगाएं। पौधे लगने के बाद थोड़ी देर ड्रिप से पानी देना जरूरी होता है। और एक बात बताना जरूरी है, जो आप ड्रिप इरिगेशन करोगे उसमें ऑनलाइन ड्रिप ही करें। 2 लीटर से लेकर 8 लीटर प्रति घंटे डिस्चार्ज का ड्रिपर ही आप शुरुआत में लगाएं। शुरुआत के कुछ महीने में एक झाड़ को एक लैटरल और 2 ड्रिपर काफ़ी होता है, लेकिन दूसरे साल के बाद 2 लैटरल और 4 ड्रिपर जरूरी होता है। इनलाइन ड्रिप न लगाएं, क्योंकि उसमें व्हील का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। और आखिरी बात, प्लॉट में चारों साइड से 15 से 20 फीट का रास्ता जरूर छोड़ें। तो दोस्तों, इसी के साथ आदर्श अनार बगीचा लगाने के सही तरीके के पहले एपिसोड में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे अनार के भगवा वैरायटी के टिश्यू कल्चर, ऑर्डिनर भगवा और सिलेक्शन भगवा में क्या फ़र्क है, किसके क्या गुणधर्म है, कैसे पहचाने अच्छा गुणधर्म वाला भगवा, या कैसे बारे माने कि ये अच्छा भगवा है। ये ऐसा विषय है जिसके बारे में आज तक न कभी आपने सुना होगा या ना देखा हो। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाए, ताकि सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुँचे। तब तक धन्यवाद।